नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का ICT वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम अभी तक काफी सारी चीजें यहाँ पर पढ़ चुके हैं हिंदी व्याकरण में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर, जिसका नाम है संसार एक पुस्तक है और जिसके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिनकी तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो क्या कहकर पुकारा जाता था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्रेम था और वो बच्चों पर अपने प्रेम को न्योछावर करते थे, अपने बच्चों को पर अपने प्रेम को लुटाया करते थे और उन्हीं को वही प्रेम बच्चों से उसी रूप में वापस मिलता था, यानी कि बच्चे भी उन्हें बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और इसीलिए बच्चों ने उनका नाम चाचा नेहरू, यानी कि उनका नाम जो है चाचा नेहरू के रूप से एक तरह से प्रसिद्ध हुआ, उनको चाचा नेहरू के नाम से जाना जाने लगा। तो चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो बेटी थी इंदिरा जी, उन्होंने वो जब स्कूल में पढ़ती थी, जब वो आपके ही एज की थी, छोटी थी, 8th 9th में पढ़ती थी, तो उन्होंने उस टाइम पे, वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी, यानी कि हॉस्टल में रहती थी, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी, तो वहां पर उस समय पर जो बच्चों से, बच्चों की बातें आज की तरह हर एक जगह पर मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, तो उस टाइम पे पत्र लिखने का चलन था, यानी कि कोई भी बात अगर आपको अपने पेरेंट्स से करनी है या पेरेंट्स को अगर बच्चों से बात करनी है तो फिर क्या करते थे, पत्र से एक दूसरे से बात किया करते थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को पता है कि उनकी बेटी हॉस्टल में है, यानी कि बोर्डिंग स्कूल में है, जहां पर रहकर बाहर की दुनिया से बहुत कम जुड़ाव हो पाता है, यानी कि बाहर की दुनिया की एक तरह से जानकारी बहुत कम मिल पाती है, क्योंकि बच्चों के का जो पूरा अटेंशन होता है एक तरह से वो उनकी पढ़ाई पर होता है। ऐसा नहीं है कि उनका सर्वांगीण विकास वहां पर नहीं होता है, उनको हर एक चीज में, खेल से लेकर बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज में उनको एक्टिव रखा जाता है, लेकिन एक तरह से जो हम एक समाज के बीचों बीच रहकर अपने अनुभव से जो सीखते हैं वो चीज शायद थोड़ा बहुत नहीं मिल पाती। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उन्हें पत्र लिखा करते थे, लेटर लिखा करते थे, और वो भी अपने पिताजी को पत्र लिखा करती थी। तो इस तरह से उन्होंने जितने भी पत्र लिखे, उन पत्रों में उन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ सीख दी अपनी बेटी को, कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश की। तो इस तरह से उन्होंने ये जो यहाँ पर आपको आपके चैप्टर दिया गया है, संसार एक पुस्तक है, आपके पाठ का नाम है संसार एक पुस्तक है, तो उन्होंने यहाँ पर संसार को, इस पूरे विश्व को, इस पूरी धरती को एक पुस्तक के रूप में बताया है, एक पुस्तक के रूप में कहा है कि संसार एक पुस्तक है, हमें हर चीज से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। केवल हम बुक से ही पढ़ते हैं या बुक से ही सीखते हैं, किताबों से ही सीखते हैं, ऐसा नहीं है। हमें संसार में हर एक व्यक्ति से, हर एक वस्तु से, हर एक प्राणी से, हर एक पेड़ पौधे से, संसार की हर एक चीज से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो पुस्तक लिखी गई है, संसार, ये जो पत्र लिखा गया है संसार एक पुस्तक है, उसका कुछ भाग जो है वो आपके इस पाठ में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी चीजें भी ये आपको सिखाता है, बहुत सारी बातें ये चैप्टर आपको सिखाता है। तो क्या कुछ उन्होंने सीख दी है, क्या कुछ बताया है उन्होंने अपनी बेटी को, वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, ध्यान पूर्वक समझेंगे, कोई भी डाउट अगर कहीं पर होता है तो जरूर क्लियर करेंगे। तो आपके चैप्टर का नाम है संसार एक पुस्तक है। तो यहां पर उन्होंने शुरुआत की है अपनी एक पंक्ति से। उन्होंने क्या कहा है कि जब तुम मेरे साथ रहती हो, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सारी बातें पूछा करती हो। देखिए, अभी जो आप जिस एज में हैं,
तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि इस टाइम पे बच्चों को बहुत ज्यादा क्या होती है, उत्सुकता होती है जानने की। एक तरह से जब 5 साल से 10-12 साल के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा चीजों के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो बहुत सारे सवाल उनके मन में आते हैं, बहुत सारे प्रश्न उनके मन में आते हैं, और अगर इस टाइम पे हम बच्चों के उन सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं देते हैं या उनको सही राह नहीं दिखाते हैं तो कई बार वो उसके लिए बहुत अलग तरह से उसके जवाब वो खोजने लगते हैं। तो इसलिए ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा एक तरह से समझने की बात है कि बच्चों के प्रश्नों का जवाब। देखिए, आपको कोई मैथ का सवाल पूछ रहा है या साइंस का सवाल पूछ रहा है, आपको नहीं आता है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो आपके जीवन के अनुभव से जुड़ी हुई बातें हैं वो बच्चों को आपको शेयर करना, आपको उनको सही रास्ता दिखाना, सही जानकारी देना। कई बार हम बच्चों को टाल देते हैं, कई बार बच्चे प्रश्न करते हैं तो हम उनको बातें बनाकर टाल देते हैं, लेकिन ये गलत है। हमें उन्हें सभी चीजों के बारे में, क्योंकि आज के टाइम में दुनिया में कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है कि जो बच्चे अपने आप से नहीं खोज सकते, उनके पास मोबाइल फोन है, उनके पास इंटरनेट है, और इन चीजों से जानने से अच्छा कि आप उन्हें हर एक जानकारी, हर एक चीज, हर एक विषय पर जो उनके प्रश्न है, उनकी उत्सुकता है, उनको उसको शांत करें, उसका सही तरीके से जवाब दें। तो उन्होंने पहली पंक्ति में कहा है कि जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता रहता हूं। यानी कि ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को सारे प्रश्नों के जवाब आते, कोशिश जरूर कीजिए और सही गाइडेंस, सही तरीके से जवाब देने की कोशिश कीजिए। लेकिन अब उन्होंने कहा है, ये तब की बात है जब तुम मेरे साथ रहती हो, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में। मसूरी के बोर्डिंग स्कूल में वो पढ़ा करती थी, मसूरी जो देहरादून में स्थित है वहां पर उसके एक बोर्डिंग स्कूल में वो पढ़ा करती थी, और जवाहरलाल नेहरू जी वो इलाहाबाद में होते। तो वो कहते हैं कि जब तुम मेरे साथ होती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सारी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, और हम दोनों उस तरह से बातचीत नहीं कर सकते। यानी कि वो कह रहे हैं कि अब मैं सामने से तुम्हारे प्रश्नों के जवाब नहीं दे सकता, मैं अब तुम्हारे हर एक डाउट को क्लियर नहीं कर सकता, जो तुम्हारे मन में प्रश्न आ रहे हैं मैं सारे प्रश्नों के एकदम से जवाब तुम्हें नहीं दे सकता। लेकिन वो कहते हैं इसीलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी मैं तुम्हें इस दुनिया की ओर और उन छोटे बड़े देशों की ओर जो इस दुनिया में है की छोटी छोटी गाथाएं लिखा करूंगा। यानी कि वो कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, तुमसे बहुत दूर हूं, लेकिन अभी भी मेरा कर्तव्य है, अभी भी मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें देश और दुनिया और समाज से जुड़ी हुई बातें तुम्हारे साथ शेयर करूं। तो इसीलिए मैंने एक इरादा किया है कि मैं चाहे वो अपने देश से जुड़ी हुई हो, चाहे विदेशों से जुड़ी हुई हो, चाहे किसी और चीज से जुड़ी हुई हो, वो छोटी छोटी गाथाएं तुम्हें मैं लिखा करूंगा। यानी कि वो पत्र जो लिखा करते थे पिता के पत्र पुत्री के नाम, उनके पत्र जो है, उनके लेटर्स जो है, जो उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा जी को लिखे थे, वो आज भी विश्व प्रसिद्ध है और विश्व धरोहर के रूप में रखे गए हैं, और उन पत्रों को, वो पत्र प्रसिद्ध हुए हैं पिता के पत्र पुत्री के नाम से। तो उन्होंने इसी तरह से अपनी बेटी को पत्रों के माध्यम से, चिट्ठियों के माध्यम से ये सारी जानकारियां उनको उपलब्ध उस समय पर कराई थी। तो वो कहते हैं छोटी छोटी गाथाएं मैं लिखा करूंगा। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, यानी कि जो हिंदुस्तान का इतिहास है और इंग्लैंड का इतिहास है वो तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश। वो कहते हैं कि तुमने इंग्लैंड के बारे में भी पढ़ा है
और हिंदुस्तान के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन ये जो इंग्लैंड है ये एक छोटा सा टापू है, लेकिन भारत जो है वो एक बहुत बड़ा देश है। भारत क्या है? एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन बहुत बड़ा देश होने के बावजूद भी भारत क्या है? वो दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इनमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें बहुत सारे देशों को जानने का शौक है, अगर तुम्हें दुनिया के हाल को जानने का शौक है कि क्या है इस संसार का हाल, इस दुनिया का हाल क्या है, अगर तुम्हें ये सब जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो कि इन सभी देशों में बसी हुई है उनको उनका ध्यान रखना होगा, यानी कि उनके बारे में जानना होगा। उस एक छोटे से देश को नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो, यानी कि केवल तुम्हें उस छोटे से देश को नहीं जानना होगा जिसमें तुम पैदा हुई हो। तो इस तरह से यानी कि तुम्हें केवल उस छोटे से देश को ही नहीं जानना है जहां पर तुम पैदा हुई हो, बल्कि तुम्हें हर एक जगह को जाननी हो, हर एक जो जगह है उसको जानना होगा। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में मैं बहुत थोड़ी सी बातें बतला सकता हूँ, क्योंकि पत्र जो होते हैं, आपने पत्र के बारे में पढ़ा होगा, लेटर राइटिंग आपने करी होगी, और अगर नहीं करी है ये भी हमारे हिंदी का, हिंदी व्याकरण का एक पार्ट है लेटर राइटिंग, ये भी हम करेंगे कि पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है पत्र। तो पत्र को कभी भी बहुत ज्यादा लंबा या चौड़ा नहीं लिखा जाता, पत्र में सारी चीजें संक्षेप में होती हैं और सारी चीजें बहुत अच्छे से एक तरह से एक्सप्लेन की जाती हैं, बताई जाती हैं, बात को महत्वपूर्ण तरीके से लिखा जाता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में मैं बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, यानी कि ज्यादा बातें मैं नहीं बता सकता हूँ तुम्हें इन छोटे छोटे पत्रों के माध्यम से। तो आगे कहते हैं, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी। यानी कि उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि ये जो थोड़ी थोड़ी बातें मैं तुम्हें लिख रहा हूँ, छोटी छोटी बातें, गाथाएं में जो ये अलग अलग जगहों की तुम्हें लिख रहा हूँ, तुम इन्हें समझोगी, इन्हें शौक से पढ़ोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। तो उन्होंने कहा कि अभी तुम मेरे पत्रों के माध्यम से थोड़ी थोड़ी बातें पढ़ोगी, थोड़ी थोड़ी बातें जानोगी, लेकिन क्या जानोगी कि ये दुनिया एक है, ये पूरी दुनिया एक है और इस दुनिया में जो दूसरे लोग, दूसरा इस दुनिया के लोग हैं, यानी कि कभी भी तुम भेदभाव नहीं सीखोगी, तुम ये देखोगी कि ये दुनिया एक है और इसमें रहने वाले लोग एक हैं और ये सब हमारे भाई बहन हैं, ये सब क्या है, हमारे भाई बहन हैं। और फिर जब तुम बड़ी हो जाओगी, अभी तो तुम ये सारी चीजें मुझसे छोटी छोटी कथाओं के रूप में सुनोगी, छोटी छोटी गाथाओं के रूप में सुनोगी, लेकिन जब तुम बड़ी हो जाओगी तो ये सारी चीजें तुम मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी, यानी कि ये इतिहास पढ़ोगी तुम एक तरह से पूरे विश्व का। उन्होंने कहा उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा, यानी कि इस पूरे विश्व के इतिहास को पढ़ने में तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी भी कहानी या उपन्यास में नहीं मिला होगा। यानी कि जो तुम अभी तक कितनी कहानियां, क्योंकि बचपन में बच्चों को कहानियों की किताबें और उपन्यास, जो बाल उपन्यास होते हैं उनको पढ़ने में बहुत मजा आता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि
इतना तो तुम्हें आनंद जो है अपने बचपन में जो तुम कहानियां ये पढ़ती आ रही हो, उपन्यास जो तुम पढ़ रही हो, इनमें भी तुम्हें नहीं आया होगा जितना मजा तुम्हें, जितना आनंद तुम्हें विश्व के इस इतिहास को जानने में आएगा, समझने में आएगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, यानी कि ये सारी चीजें तो तुम जानती हो। अक्षरों का महत्व आप आगे जाकर क्लास में जब पढ़ेंगे इस चैप्टर को, अक्षरों का महत्व, तो तब आपको इस पूरी दुनिया के बारे में क्लियर होगा कि कैसे हमारी दुनिया बनी, कैसे सारी चीजों का विकास हुआ, कैसे एक तरह से समाज में लोगों को लोगों ने लिखना पढ़ना, अपनी चीजों का हिसाब किताब रखना सीखा, पूरे विश्व के लोगों ने कैसे हम विकास के रास्ते पर चले, ये सारी चीजें जो है तुम सीखोगी। तो उन्होंने बताया कि ये धरती जो है लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और तुम दिनों तक इसमें कोई भी आदमी नहीं था। उन्होंने बताया कि ये जो धरती है ये लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, जो हमारी पृथ्वी है ये बहुत वर्ष पुरानी है। शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे हमारी धरती बनी थी, सबसे पहले जब हमारी धरती एक आग का धधकता हुआ गोला थी, जो सूर्य से अलग हुई थी, सूर्य से अलग होकर एक टुकड़े के रूप में अलग हुई और आग का धधकता हुआ गोला थी, तो उस समय पर ये पृथ्वी जो है, फिर उसके बाद धीरे धीरे ठंडी होती गई और इसमें वाष्प बनी और हजारों वर्षों तक यहाँ पर वर्षा होती रही। वर्षा होने के बाद फिर धीरे धीरे जो पूरी धरती है उसमें पानी जमा होने लगा, उस पानी में काई जमने लगी और उस काई में छोटे 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 बैक्टीरिया माइक्रोब्स छोटे छोटे पनपने लगे, और उसके बाद जब वो काई जो है सूखने लगी तो धीरे 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 धरती पर पेड़ पौधे आए, और पेड़ पौधे आने के बाद ही धीरे धीरे जो है पशु पक्षी जो बनने शुरू हुई। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बताया कि इस धरती पर बहुत दिनों तक कोई भी आदमी नहीं था, यानी कि यहाँ पर कोई बहुत दिनों तक कोई भी आदमी नहीं था। धरती बन चुकी थी लेकिन विश्व संसार में कोई आदमी नहीं था, और आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे। और मैंने बताया ना कि जब धरती ठंडी हुई तो पानी बहुत ज्यादा था और वो धीरे धीरे पानी कम होता गया, जहां पर काई जमी तो वो धरती मिट्टी वहां पर जमने लगी, वहां पर पेड़ पौधे उगने लगे, उन पेड़ पौधों से कुछ जो छोटे छोटे माइक्रोब्स थे वो एनिमल्स बड़े बड़े एनिमल्स जानवर बने, फिर उसके बाद इस तरह से हमारे देखिए हम पूर्वज कहते हैं, मनुष्य का पूर्वज कौन है, आदि मानव, वो भी एक एनिमल की तरह ही एक जानवर की तरह ही जंगल में रहते थे, यानी कि वो कच्चा मांस खाते थे और वो पक्के घर बनाकर भी नहीं रहते थे, गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में रहते थे, और शिकार करने के लिए भी पत्थर के हथियारों का औजारों का प्रयोग करते थे। तो बिल्कुल एक एनिमल की तरह एक जानवर की तरह वो जीवन व्यतीत करते थे, और धीरे 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 फिर उनका एक तरह से विकास होता रहा, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है जो परिस्थितियां हैं वो जब धीरे धीरे चेंज होती रही, नई नई चीजों का ज्ञान उन्हें होता गया, तो फिर धीरे 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 मनुष्य का विकास हुआ, आदि मानव का विकास हुआ। तो देखिए क्या बताया है कि जानवरों से पहले एक ऐसा समय था कि जब इस धरती पर कोई जानदार चीज नहीं थी, जानवर आने से पहले भी, जैसे कि मैंने बताया कि जब धरती ठंडी हुई तो जो पानी था उस टाइम पे इस धरती पर कोई भी जानदार चीज नहीं थी, ऐसी चीज नहीं थी जिसमें प्राण हो, जिसमें जान हो, ठीक है। तो आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों से और आदमियों से भरी हुई है, तो उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है, यानी कि जब आज के टाइम में हम ये इमेजिनेशन करना, केवल ये इमेजिनेशन करना भी बहुत मुश्किल है कि कैसा वो टाइम रहा होगा,
कैसा वो एरा रहा होगा, कैसा उस समय पर एक तरह से जब पृथ्वी आग का धधकता हुआ गोला थी जो ब्रह्मांड में घूम रही थी, और धीरे 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 वो आग का गोला जो है ठंडा हुआ और उसके ऊपरी परत पर वाष्प जम गया। वाष्प जमने के कारण कई वर्षों तक लगातार वर्षा हुई, लगातार बारिश हुई, और उसके बाद धीरे 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 जो है ये संसार बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। तो हम केवल इमेजिन कर सकते हैं, और एक तरह से जब हम इमेजिन करते हैं तो ये सोचना भी ऐसा लगता है कि क्या सच में ये बात हुई होगी। तो इस समय तो यहाँ पर उन्होंने कहा, जब यहाँ कुछ न था लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था कि यह धरती बेहद गर्म थी। जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए, अब चैप्टर का नाम है संसार एक पुस्तक है। संसार एक पुस्तक है यानी कि आपको संसार के बारे में भी जानना है, केवल आपकी किताब में जो लिखा है उसको नहीं पढ़ना है, केवल उसको नहीं समझना है, आपको पूरे संसार के बारे में जानना है। संसार एक पुस्तक है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल यह लिखा हुआ है कि विज्ञान जानने वाले जो लोग थे, विद्वान जो थे, उन्होंने इस विषय को बहुत ज्यादा सोचा, इस विषय पर बहुत लिखा, बहुत ज्यादा पढ़ा, यानी कि रिसर्च की कि अच्छा ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो कब हुआ, तो ये क्यों कब कैसे, बहुत सारे प्रश्न उनके दिमाग में आए और उन्होंने उसी पर रिसर्च करना स्टार्ट किया, उसी पर खोज करना स्टार्ट किया, क्यों कब कैसे कहां, ये सारी सारे प्रश्न उन्होंने खोजे। और इस तरह से उन्होंने ये बात बताई कि अब देखिए, ये बात केवल मैं अपने मुंह से नहीं कह रही हूं, ये बात खोज करके बताई गई कि ऐसा हुआ होगा। तो इतनी सारी चीजें करने के बाद उन्होंने लिखा कि एक समय ऐसा था कि धरती बेहद गर्म थी और इस धरती पर कोई भी जानदार चीज नहीं थी, क्योंकि उस धरती का टेम्परेचर जो था वो सूर्य से टूटा हुआ एक आग का धधकता हुआ गोला थी, बिल्कुल आग का धधकता हुआ गोला थी, और यहाँ पर कोई भी जानदार चीज नहीं रह सकती थी। इतना ज्यादा टेम्परेचर था कि यहाँ पर कोई भी जानदार चीज जो है नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें, यानी कि उन विद्वानों की जिन्होंने इस पर रिसर्च की है, उन वैज्ञानिकों की, तो हमें किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो ये हमें खुद मालूम हो जाएगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। तो ये चीजें किसी ने घर बैठकर नहीं बोली कि घर में बैठे हैं और इमेजिन कर लिया कि ऐसा हुआ होगा और ऐसा हुआ होगा और वैसा हुआ होगा। तो इस पर उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारी खोजबीन की, बहुत अलग अलग जगहों पर जाकर उन्होंने इस पर रिसर्च किया। तो जब उन्हें बहुत पुराने टाइम की, जैसे हमने सभ्यता का विकास, अभी आप आगे पढ़ेंगे क्लास 8 में, आपका पूरा एक बुक ही इस पर यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है कि भारत की खोज, क्लास 8 में आप जब जाएंगे भारत की खोज, तो उसमें बहुत सारी सभ्यता संस्कृतियों का विकास कैसे हमारे देश में हुआ, कैसे आज हम इस जगह पर खड़े होकर इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें केवल खड़े खड़े या बोलने से नहीं होती, इन पर काफी रिसर्च किए जाते हैं, बहुत सारी खोजें की जाती हैं, हर एक चीज को खोजने वाले अलग तरह के वैज्ञानिक होते हैं। देखिए, अगर प्लांट्स के बारे में जानना हो तो अलग तरह के वैज्ञानिक होते हैं, अगर जीव जंतुओं के बारे में जानना हो तो अलग तरह के वैज्ञानिक होते हैं, उसमें भी अगर माइक्रोब्स के बारे में जानना है जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि माइक्रोब्स वो होते हैं जो बहुत ज्यादा सूक्ष्म, इतने छोटे छोटे वो जीव होते हैं कि उन्हें हम अपनी इन नग्न आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। और देखिए, जो कुछ मिट्टी पर रिसर्च करते हैं, जो पहाड़ों पर रिसर्च करते हैं, सब अलग अलग तरह के साइंटिस्ट होते हैं, अलग अलग तरह के वैज्ञानिक होते हैं। तो यहाँ पर बताया कि
जब सब लोगों ने पहाड़ों को रिसर्च किया, बहुत सारी किताबें पढ़ी, जानवरों की पुरानी हड्डियां देखी, पुराने जानवरों के कंकाल देखे, धरती की खुदाई की और पुराने जो लोग थे उनका रहन सहन देखा, या कैसे लोग कैसे एक तरह से चीजें मिलती गई, वो सारी चीजें जब देखी गई तो तब जाके पता चला कि हाँ, ये जो समय है, ये जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा समय जरूर रहा होगा, यानी कि जो एक तरह से हम कहते हैं कि आदि मानव पहले जो है जंगलों में रहता था और जानवरों का कच्चा मांस खाता था, और एक बार जो है क्या हुआ कि वो क्या करता था, पत्थर के हथियार बनाता था। तो जब वो पत्थर से पत्थर टकरा रहा था तो उससे क्या हुआ कि जंगल में आग लग गई, यानी कि क्योंकि सूखी पत्तियां होती हैं, तूफान आया होगा या क्या हुआ होगा, जंगल में आग लग गई और काफी सारे जंगली जानवर इस आग में जल गए। और जब बचे हुए जो आदि मानव थे, बचे हुए जो लोग थे वहां पर, जो जानवर थे एक तरह से, उन्हें भी सब जानवरों की ही श्रेणी में रखा जाता था, लेकिन अब उन्हें रिसर्च के बाद उन्हें आदि मानव कहा जाता है, आदि बहुत पुराने समय के। तो उन्होंने जब उन जले हुए जानवरों का मांस खाया तो उन्हें वो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगा, एक तरह से वो आग में जला हुआ मांस उन्हें स्वादिष्ट लगा। तो अब उन्होंने बिल्कुल उसी तरह से, यानी कि पत्थर पर पत्थर टकराकर चिंगारी उत्पन्न करके जंगल में आग जलाना उन्होंने सीखा, और इस तरह से उन्होंने अब भुना हुआ मांस खाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे कुछ ऐसे जानवर जो उनके लिए बहुत जरूरी थे, जिनका वो मांस खाते थे या जिनका वो दूध पीते थे, उनको उन्होंने अपने जो उनकी गुफाएं थी उनके आसपास रखना शुरू कर दिया। तो अब उन्हें अगर बांध कर रखेंगे तो उनको कुछ खिलाना भी पड़ेगा, तो इसके लिए उन्होंने वो चीजें, यानी कि धीरे धीरे उन्होंने कृषि करना सीखा, धीरे धीरे उन्होंने अपने लिए, फिर अब वो ग्रुप्स में रहने लगे, यानी कि पहले वो एनिमल की तरह रहा करते थे किसी भी गुफा में, किसी भी कंदराव में। अब क्योंकि अब उन्होंने जब दो चार अपने जानवर अपनी जगह पर बांध लिए तो अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, ग्रुप्स में रहना शुरू कर दिया। और ग्रुप्स में रहते हुए भी जो एक तरह से फीमेल जो आदि मानव होते थे, तो वो क्या करते थे, क्योंकि वो बच्चों को जन्म देते थे तो वो घर पर रहकर उन बच्चों का पालन पोषण करते थे, उन बच्चों के लिए एक तरह से खाना जुटाते थे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिससे धीरे 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 जो सभ्यता है उसका विकास हुआ और आज हम यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर फिर से वो कहते हैं अपनी बेटी को पत्र में कि तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, यानी कि ये सारी बातें पढ़ने के लिए तुम्हें विश्व का इतिहास पढ़ना होगा, इस धरती का इतिहास पढ़ना होगा। लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, क्योंकि ये बातें तो सब धरती के इतिहास के बारे में हम बातें कर रहे हैं, हम इस पूरे विश्व के इतिहास की बात कर रहे हैं। तो पुराने जमाने में जब आदमी था ही नहीं तो इन किताबों को कौन लिखता था, यानी कि फिर ये किताबें किसने लिखी, ये इतिहास आया कहाँ से, तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो गई या कैसे मालूम हो। यह तो नहीं हो सकता कि घर बैठे बैठे हर एक बात सोच निकाले, ऐसा तो नहीं हो सकता। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि यहाँ पर बैठे बैठे क्लास में बैठकर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, जब बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत की जाएगी, घर पर जाकर बहुत सारी किताबें पलटी जाएंगी, पढ़ी जाएंगी, रिसर्च किया जाएगा, बहुत सारे प्रश्न आएंगे, बहुत सारे डाउट्स आएंगे, तो उनको क्लियर किया जाएगा, फिर उन पर रिसर्च किया जाएगा, तभी जाके कुछ चीजें सामने आती हैं, कुछ चीजें समझ में आती हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यह बड़े मजे की बात है होती कि क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते, वो सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते। वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात होती कि अगर हम जो सोच रहे हैं, जो भी चीजें हम सोच रहे हैं, वो एक परियों की कहानी की तरह, जैसे परियों की कहानी होती है ना, उसमें कुछ भी हो जाता है, एनीथिंग, कुछ भी इमेजिनेशन करो, वो सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है, वो सारी चीजें पूरी हो जाती है। तो वो कहते हैं कि कितना अच्छा होता
की बड़े मजे की बात होती, क्योंकि अगर हम जो चीज चाहते सोच लेते, सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना गढ़ ली जाए वो ठीक कैसे हो सकती है? यानी कि जो कहानी हमने बिना उन परिस्थितियों को समझे, बिना उन परिस्थितियों का अनुभव करे जो हमने कहानी गढ़ ली, वो कहानी ठीक कैसे हो सकती है? तो वो कहते हैं, लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने में लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं। यानी कि जब किताबें नहीं हैं, तो क्या चीजें हैं जो हमें वो पुराने जमाने के बारे में बताती हैं, उस समय के बारे में बताती हैं, उन परिस्थितियों को हमारे सामने रखती हैं और हम उन उसे कहानी के रूप में, उसे इतिहास के रूप में लिखते हैं, वो कौन सी चीजें हैं? आप सोचिए, ये आज के लिए आपका होमवर्क है कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि पुराने जमाने में ऐसा हुआ था, तब ऐसा हुआ था, धरती का इतिहास ये है, या उस समय पर लोग ऐसे थे, ये कौन हमें बताता है? ये होमवर्क है। इसे घर पर सोचिए, विचारिए, चैप्टर को घर पर एक बार रीड कीजिए, बाकी अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। आपने देखा, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, चैप्टर हमारा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी बातें हमें सिखा रहा है। तो चलिए, आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।